हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन। वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो भाई हर जगह अब 5G की होड़ लग चुकी है। सारे फोन जो है 5G को लाने की पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। और सबसे पहली जो शुरुआत है वो OnePlus की तरफ से होने वाली है। OnePlus 7 Pro जैसे कि आप जानते हैं वो 5G के अंदर आने वाला है। तो भाई ऐसे में Apple जो है उसने भी एक अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन उसकी तरफ से एक पूरी अच्छी खासी न्यूज जो है सामने निकल के आई है कि अब एप्पल का जो आईफोन नेक्स्ट आईफोन होने वाला है जो 2020 में आएगा वो 5G एनेबल होने वाला है। आपको उस पर 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई फोन्स के अंदर ट्रेंडिंग जो चीज़ें होती हैं उसका चलना तो भाई बिल्कुल एक तरीके से मैंडेटरी सा हो गया है। कि पहले जो फ़ोन चलते थे तो पहले फुल लेंथ के फ़ोन चलने लगे, डिस्प्ले बड़े मिलने लगा, उसके बाद नॉच आया, फिर और छोटा नॉच हुआ। तो इस तरीके के जो ट्रेंड होते हैं वो स्मार्टफोन कंपनी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती है। तो भाई 5G का जो ट्रेंड है वो आई थिंक 2020 और 19 का जो एंड होने वाला है उसमें अच्छे तरीके से चलने वाला है। और हर फोन जो है 5G लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एप्पल का जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आईफोन होने वाला है जो 2020 में आने वाला है उसमें 5G होने वाला है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करके, ताकि ऐसी वीडियो जो है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों तक मैं जल्द से जल्द लेकर आता रहूं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आईफोन के नए 5G फोन के बारे में। तो भाई आईफोन जो है एक काइंड ऑफ एक ऐसी कंपनी रही है शुरू से जो अपने फोन को अपने सारी कंपनी को अकेले लेके चलती है। वो किसी की हेल्प लेना जो है पसंद नहीं करती है, उसको हेल्प लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। और जाहिर सी बात है भाई एप्पल एक बहुत बड़ी ब्रांड है और उसका एक अलग से नाम है पूरे टेक कम्युनिटी में, एक अपने स्मार्टफोन कंपनी में, तो वो किसी से हेल्प क्यों ले। लेकिन अब जो है आईफोन मजबूर सा हो गया है, एप्पल जो है मजबूर सा हो गया है। कि जैसे आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग में से जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि एप्पल और स्नैपड्रैगन के बीच में जो है एक कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है। एक लीगल इशू के ऊपर उन लोगों की बहुत सालों से वॉर टाइप की चल रही है, किसी पैटर्न से रिलेटेड जो है वॉर चल रही है। एप्पल जो है अब काइंड ऑफ डिपेंडेंट हो चुका है स्नैपड्रैगन चिपसेट के ऊपर, क्योंकि स्नैपड्रैगन एक ऐसा चिपसेट है जो सबसे पहले 5G को लेकर आने वाला है, वो भी स्ट्रांगली 5G को लेकर आने वाला है मार्केट के अंदर। तो अभी अप्रैल में, अभी कुछ दिन पहले ही इसका सॉर्ट आउट हो चुका है उनके बीच में, जो भी इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट कर लिया है एप्पल ने। और ऐसा कंफर्म न्यूज लेकर आए हैं स्नैपड्रैगन और एप्पल की, अब वो दोनों टाई अप होने वाले हैं, उनके बीच में जो है सब कुछ ठीक हो चुका है। और अब स्नैपड्रैगन जो है वो चिपसेट यूज करने वाला है अपने एप्पल फोन के अंदर, या फिर एप्पल फोन चिपसेट यूज करने वाली है स्नैपड्रैगन का, जो जिसमें 5G एनेबल आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो भाई अब जो है एप्पल भी वो कंपनी नहीं रही जो अकेली चलती थी। तो उसका रीजन एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि एप्पल जो है इंटेल के चिपसेट यूज कर दी थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटेल ने अभी 5G पे उस लेवल पे काम करना स्टार्ट नहीं किया, या फिर 5G इंटेल की तरफ से नहीं आने वाला है। तो भाई स्नैपड्रैगन जो है वो पहला चिपसेट होने वाला है 5G के साथ, पर एप्पल मजबूर हो गया है उनके चिपसेट को यूज करने के लिए, जो भी कहानी हो। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि 5G जो है अब आने वाला है एप्पल के अंदर, वो भी स्नैपड्रैगन के साथ। तो जो ये खबर है बहुत बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि 5G का आना बहुत बड़ी बात है इंडिया के अंदर। अभी इस हम बात नहीं कर सकते हैं कि भाई 5G हमें कब तक अच्छे से प्रोवाइड होने वाला है, क्योंकि 4G अब जाके अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, और 5G का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। किसी भी सिम कंपनी या फिर किसी भी नेटवर्क कंपनी ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। अब आगे देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जियो ही जो है वो 5G लेकर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी वेट इस बात का है कि 5G फोन जो है किस तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। और ये बात जो है OnePlus का जो 7 Pro आने वाला है उससे पता पड़ जाएगा कि भाई क्या लेवल होने वाला है इंडिया के अंदर 5G का। तो ये थी भाई एप्पल के आईफोन 5G के बारे में जो 2020 में रिलीज होने वाला है अपना नेक्स्ट आईफोन। और आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि एप्पल का जो 2019 का मॉडल रिलीज होने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो 12 या 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाले हैं, और अपने जो चिपसेट की जो उनके अंदर की चिप होती है उसको एक बिल्कुल वाइड एंगल में लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके फोन का जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये सब जो कुछ अपडेट जो थे वो निकल के सामने आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को तुरंत के तुरंत बता दिया जाए।
तो इस वीडियो में गाइज सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।